Okay. What's your name? Pratiksha. Okay. You are? Lokesh. Lokesh. भाई यहाँ लोकेश मिला है हमको, ठीक है? लोकेश के साथ थोड़ी जान पहचान बनाते हैं और अमरूद खाते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे हिमालयन प्रिंस पर। तो सुबह होते ही देख रहे हो जैकेट पहन लिया है, तो राइडिंग जैकेट पहनने का मतलब समझ रहे हो ना? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं फिर से निकल चुका हूं एक न्यू राइड के लिए, जो कि हमारी आज की ये राइड होने वाली है चेन्नई से कन्याकुमारी तक की। एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट कन्याकुमारी नहीं जाएंगे, पहले हम लोग जाएंगे रामेश्वरम, रामेश्वरम में दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे धनुषकोडी और उसके बाद कल निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए। तो अभी सुबह का सीन ऐसा था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सुबह से ही पूरा रोड फुल है ऑलमोस्ट, तो दिखाने के लिए कुछ ऐसा था नहीं, तो इसीलिए कुछ कैमरा मैंने ऑन नहीं किया। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये है रोड साइड ढाबा है। तो हम लोगों ने सोचा कुछ ज़्यादा ही फील ले ले कुछ साउथ की ना, तो पहले थोड़े थोड़े होटल्स के रुकते थे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, तो वहाँ ढाबे पर रुक गए, पर मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, प्लीज सच बता रहा हूँ। ओके, तो खा लिया जैसा भी था, बढ़िया था, चलो ठीक था। बस हम निकलेंगे अराउंड, जहाँ तक मेरा आइडिया 4 बजे के आसपास हम लोग रामेश्वर पहुँच जाएंगे आज, ठीक है? चलिए मिलता हूँ आपको रास्ते में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय एवरीवन, तो 12 बज चुके हैं दिन के, गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो अभी रुके हम लोग वाटर ब्रेक और फ्यूल ब्रेक के लिए। इसको भी पानी पिलाना था और खुद भी पानी पीना था भाई। अभी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी लिया, थोड़ा रिफ्रेश हो रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी करेंगे क्योंकि ज़्यादा देर तक बाइक पर बैठे बैठे थोड़ा सा मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करके फिर लगाएंगे लंबा स्ट्रेच फिर से एक बार, फिर सीधा 200 किलोमीटर पार करने के बाद ही ब्रेक मारेंगे। अभी का सीन ऐसा है, रामेश्वर में भी यहाँ से होगा कुछ अराउंड 280 समथिंग किलोमीटर करीब पड़ा हुआ है। 12 बज गया, होपफुली टाइम जो मैंने आपको बताया शायद 5-6, थोड़ा डिले हो गया सिस्टम, क्योंकि डिले इसलिए हो गया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सड़क खाली मिल ही नहीं रही है, कंटिन्यू लाइन में चल रहे हम लोग। चलिए मिलता हूँ बाद में। A few moments later. तो जी समय हो गया है एक और ब्रेक लेने का, अब हम रुके हैं अमरूद खाने के लिए आटे जी के पास। भाई 140 रुपये किलो अमरूद है यहाँ पे, थोड़े महंगे दे रहे हैं ना, पर कोई चक्कर नहीं, पैसे मिल गए भाई, मिल गए, दे दो आटे जी को। कितने दिए? लंच करने का टाइम लगा, पीछे ट्रैफिक में फंस गए थे, तो भूख तो लग गई है, तो मैंने सर थोड़ा अमरूद अमरूद खा लेते हैं, थोड़ा बहुत फल फ्रूट खाना जरूरी है भाई, वैसे तो कभी खाता नहीं, हमारा खुद का ही कारोबार फ्रूट का है। चलो देखते हैं अमरूद काट के कैसा होता है। ये देखो हमें बस सब्सक्राइबर मिल गया छोटा सा, हेलो करो। भाग गया। हेलो कर रहा है बच्चे को, बच्चों को बड़ा शौक होता है पता है, अब सच चेक करके देखेगा अभी, अभी जब इसको पता लगे मैं इतना फेमस नहीं हूँ तो अनसब्सक्राइब कर देगा। हाय, ओके, व्हाट्स योर नेम? ओके, यू आर? लोकेश। लोकेश, भाई यहाँ लोकेश मिला है हमको, ठीक है? लोकेश के साथ हम थोड़ी जान पहचान बनाते हैं और अमरूद खाते हैं, ठीक है? मिलता हूँ आपको बाद में। चलो ये टाइम हो गया लंच करने का, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ साउथ इंडियन मील कैसे होती है। पहले तो सबसे पहले आपको केले के पत्ते को पसंद करी जाती है, फिर उसके बाद वाइट राइस हो गए, ये सब्जी पता नहीं किसी की घिया है, ये आलू है, ये पता नहीं पालक और दाल मिक्स है, और ये सांभर है, मक्खन वगैरह भी आएगा, छाछ। हाँ जी दोस्तों, रामेश्वरम जा रहे हो, रास्ते में भूख लग गई तो कहीं नहीं जाना, सिर्फ हाई क्लास ढाबा है रेस्टोरेंट उसी के पास आना है। भाई साहब क्या मील्स खाई इन लोगों ने यार, दिल खुश कर दिया, 110 रुपए की मील्स, तो मिल्स में तो जो कुछ होता है वो तो होता ही है, साथ में स्वीट्स भी मिला एंड में, और सबसे मस्त बात पता क्या लगी मुझे इनकी पर्सनली, तो यहाँ पे ना बटर मिल्क होता है इनके पास, वो सिर्फ चावल में डाल के खाने के लिए देते हैं, बिना अलाव नहीं करते, तो इन लोगों ने भाई कप भर भर के बटर मिल्क पिलाया है, मज़ा ही आ गया। अब एक बंदे को बटर मिल्क मिल जाए फ्री में, लस्सी टाइम मतलब लस्सी बोल लो बटर मिल्क बोल लो भाई, पी के मज़ा आ गया, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी मिल्स थी, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, किबी को जोर जबरदस्ती नहीं कहीं हो जाना जो मत खाओ, पर ये मस्त है, ए1 मज़ा आ गया। चलो अपन निकलते हैं
फाइनली रामेश्वरम पहुंच ही जाए भाई। रास्ते में खा जा रहे हैं, कभी सोई जा रहे हैं, कभी कुछ ट्रैफिक पहुंचने में नहीं आ रहा यार। चलो भाई अब आपको सीधा जाके मिलूंगा पंबन ब्रिज पे, ठीक है? पंबन ब्रिज पे ही कैमरा ऑन कर लूँगा। चलो बाय। तो ये भी कुछ टाइम में रामेश्वर पहुंचेंगे, रामेश्वरम नहीं एक्चुअल में पंबन ब्रिज पहुंचेंगे। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, बस गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। सुबह में राइडिंग जैकेट पहन रखी है, पर सुबह से तो ठीक था, पर यहाँ पता नहीं समंदर के पास आते आते ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। यहाँ पे धूप निकली है कड़ाकेदार, सर्दी का नामो निशान नहीं है आसपास। अभी कितना है रामेश्वरम का बोर्ड, अभी आया नहीं, कितना किलोमीटर निकल सीधा ही होगा यार। तो गाइस गुड इवनिंग। तो सुबह 4:30 बजे से लेके शाम के 6 बज गए हैं, और 6 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख रहे हो पीछे पंबन ब्रिज, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पे। सनसेट के टाइम पे हम लोग पहुँचे हैं, पर फिर भी नज़ारा हमेशा देखने लायक होता है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लास्ट टाइम आया था 2-3 साल पहले आया था लास्ट टाइम, मुझे पता नहीं था दोबारा मैं 3 साल बाद आ सकता हूँ, पर बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, बहुत ही ज़्यादा शांति भी फील हो रही है पता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपनी बाइक पे आया हूँ यहाँ पे। ये चीज़ें ना मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि यार मेरे को ना बाइक लेनी है, और बाइक लेके मुझे यहाँ जाना है, बाइक लेके मुझे वहाँ जाना है। फाइनली वो दिन आज आ गया है, खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से। मैं अपनी बाइक पे पंबन ब्रिज पे खड़ा हूँ टाइम, हर कुछ मज़ा आ रहा है। पता नहीं आप लोग मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पता है। ये सारा कॉम्बिनेशन ना कि मैं पंबन ब्रिज पे आया हूँ, वो भी अपनी बाइक के ऊपर ड्राइव करके खुद चला के, बहुत मज़ा आ रहा है पता है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी बोलने के लिए, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। चलो कुछ शॉर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप भी इन्जॉय करो। ये देख रहे हो आप, ये सब लोग ना गाड़ियाँ लेके झंडे लगा के ऊपर टेम्पल बना रखा है गाड़ी के ऊपर, ये लोग जा रहे हैं राम मंदिर अयोध्या जा रहे हैं। वाह जी वाह, इतनी खूबसूरत लग रही है गाड़ी ना, ये क्या ही बताऊँ। झंडा ऐसे लहरा रहा है ना, एक मिनट के लिए झंडा डाउन नहीं हो रहा है, एक मिनट के लिए झंडा डाउन हो रहा है, ऐसे लहरा रहा है ना हवा से, सारे के सारे झंडे दिख रहे हैं। तो भाइयों मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम पे, चेक इन कर लिया है। इस बार होटल मिला है अपने को बहुत सस्ता, मुझे होगी ये अपना कुछ होटल, ठीक है भाई बहुत सस्ता है, ठीक है। ये अपना बैग हमेशा की तरह हमने रायता खिला दिया है, ये पता नहीं टावल वावल इसके नीचे क्या क्या बरना पुरना जो भी है, हेलमेट वेलमेट ठीक है। तो ये हूँ मैं, इधर देखो ये हूँ मैं। तो बस अब निकलना है, बाहर जा रहे हैं मार्केट में, ग्राउंडिंग एरिया घूम के आएंगे, देख के आएंगे टेम्पल होता है ठीक है, और कितने बजे दर्शन कर जा सकते हैं। चाहता हूँ मार्केट में मिलता हूँ, ठीक है। टेम्पल सामने है ना, सामने ये गलियारे इतने बड़े हैं, एक्चुअली हाथी घूमते हैं पता है,
तो ये अभी इस टाइम मैं हूँ अग्नि तीर्थम के बाहर, क्योंकि अभी टेम्पल में पहले नहाने जाने से पहले सबसे पहले यहाँ स्नान करना पड़ता है अग्नि तीर्थम में। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे है समंदर है, पीछे सबसे पहले स्नान होता है समंदर में, उसके बाद स्नान स्टार्ट होता है मंदिर के अंदर। हम लोग अभी रात में खाने के लिए निकले थे कुछ, तो रहा नहीं गया, तो हमने सोचा चलो देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है, तो बाइक देख बाइक तो यहाँ तक आ गई लावापुरी यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, चुपचाप हम लोग बाइक लेके आ गए, यहाँ पर लगा दिए पार्किंग में, कोई सीन नहीं है, बाइक सब जगह अलाउ है, पर अवॉइड करना लेके आना भीड़ में, तो अभी तो भीड़ नहीं है, अब रात का टाइम खाली है बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए मैं आ गया खाली रोड दिखा, तो आ गया आपको समझ में दिखाता हूँ। तो जी यहाँ पर होगा आपका पहला स्नान सुबह, सुबह दर्शन करने से पहले सबसे पहला स्नान हमारा यहाँ पे होगा, इस बीच तो नहीं है, अग्नि तीर्थम बोलते हैं इस जगह को। उसके बाद जाएंगे हम सीधा टेंपल में, चलो थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के फिर जाएंगे रूम पे रेस्ट करेंगे, सुबह नहीं मोटी मोटा है जल्दी, कोई कुछ 3 बजे के आसपास उठना पड़ेगा, तो क्योंकि 4 बजे हमने बोले लाइन में लगना है दर्शन करने के लिए। चलो मिलता हूँ बाद में। तो ये एक कहावत है ना, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, तो इसी कहावत को हमने आज एक प्रैक्टिकल में थोड़ा किया है। वो कहता है कि अभी हमें इंडिया के बिल्कुल साउथ में, और साउथ में हम लोग हमने ढूंढ लिया पंजाबी खाना, और तो पंजाबी खाना बनाने वाले बंदे हैं पंजाबी सरदार जी एंड उनकी फैमिली। ठीक है, तो मैं आपको बाद में खाना खा के इनका टेस्ट बताता हूँ, और तो बाद में बताता हूँ डिटेल ये कहाँ बैठा हुआ। ठीक है, तो जी भाई साहब रोटी हमने खा ली है, ठीक है, रोटी थी एक नंबर, खा के आ गया मज़ा। अब वीर जी है पीछे ढाबे वाले, ठीक है, ये है जो इनका जो एड्रेस है वो है जस्ट, वो कौन सा है यार, वीर जी कौन क्या है, ये हैगा अग्नि समुंदर साइड, समुंदर साइड क्या नाम है, अग्नि तीर्थम, हाँ ईस्ट गेट, ईस्ट गेट अग्नि तीर्थम के सामने ही है इनका ढाबा। कोई बंदा अगर नॉर्थ इंडियन खाने का शौकीन हो, सरदार जी का पंजाबी ढाबा, ठीक है, हमको भी ऐसे दिखे जाते हुए तो हम आ गए, भी भाई पंजाबी है तो पंजाबी ये अड्डा मिल गया हमको खाने के लिए, बढ़िया खाना है, बढ़िया एक नंबर। चलो वीर जी को देख लो, कोई हो बंदा पंजाबी खाने के लिए रामेश्वरम में, तो वीर जी से संपर्क करें, ठीक है, चलो मिलता हूँ आपको उद्धारा। तो सुबह के दर्शन के लिए धोती वगैरह ले ली है भाई, सुबह दर्शन होगी धोती डाल के, ठीक है, तो ठीक है मिलता हूँ आपको रूम पे जाके, अब जाके रेस्ट करेंगे सो जाएंगे, सुबह उठना है फिर से 3 बजे उठ कर लग रहा है लाइन में दर्शन करने के लिए। ठीक है, चलिए इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं आज, और मिलता हूँ आपको कल सुबह, तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए, मैं भी आराम करता हूँ, ठीक है, गुड नाइट, बाय, करो हेलो, करो बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।